तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से रिलेटेड है इंटरनेट पे काफी थ्योरीज लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं, जिनमें से कुछ तो काफी जबरदस्त हैं, तो वहीं कुछ के मूवी में होने के चांस है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और आज हम इन्हीं रूमर्स और लीक्स को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मूवी की स्टोरी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी कॉमिक कॉन में अनाउंस हुई थी तो तभी से ये रूमर स्टार्ट हो गए थे कि टॉम क्रूज इस मूवी में एज ए आयरन मैन दिखेंगे। और हाल ही में हमने इस लीक इमेज को देखा जिसे कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के सेट से ली गई है। हालांकि इस इमेज को अभी तक किसी भी ट्रस्टेबल सोर्स ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन टॉम क्रूज के आयरन मैन के रूमर्स है काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि इस रूमर से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन भी आया है जिसके अकॉर्डिंग टॉम क्रूज का आयरन मैन है सुपीरियर आयरन मैन होगा और मूवी में वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करेगा। हालांकि इस आयरन मैन को काफी ब्रूटल है और एक तरह से एंटी सुपर हीरो की तरह दिखाया जाएगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बाद एमसीयू के फ्यूचर में भी टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन दिखेंगे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी तक है वो अलग यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता रहेगा। 2019 में डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया, जिससे फॉक्स के मार्वल कैरेक्टर्स के राइट है वापस मार्वल के पास आ गए। और अब रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमें एक्स मैन दिखेंगे, जिनमें जेम्स मकोय का प्रोफेसर एक्स है मेन है। प्रोफेसर एक्स इल्यूमिनाटी के ग्रुप का मेंबर होगा और इस ग्रुप का लीडर आयरन मैन होगा। प्रोफेसर एक्स इल्यूमिनाटी के ग्रुप के साथ है वांडा को रोकने की कोशिश करेंगे और कहा जा रहा है कि प्रोफेसर वांडा के हाथों मारा जाएगा। लेकिन मूवी में कुछ ऐसा होगा जिससे म्यूटेंट्स एमसीयू में आ जाएंगे, यानी फॉक्स के कैरेक्टर्स नहीं बल्कि कॉमिक्स से कुछ नए म्यूटेंट्स एमसीयू में आ जाएंगे। हालांकि मार्वल प्लान कर रहा है कि डेडपुल को एमसीयू में वैसे के वैसे लाया जाए, यानी रैन रेनोल्ड के डेडपुल को ही एमसीयू में लाया जाएगा। हालांकि ये कैसे होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग रैन रेनोल्ड एज डेडपुल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में कैमियो कर सकते हैं। और अब जब डेडपुल की बात हो रही है तो वुल्वरीन की बात भी कर लेते हैं, तो ह्यूग जैकमैन एज वुल्वरीन भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में अपना कैमियो देंगे। अब ये रूमर भी काफी लंबे टाइम से चल रहा है, साथ ही कुछ टाइम पहले ह्यूग जैकमैन ने केविन फ्रेगी के साथ एक मीटिंग भी की थी, जिसके बाद से ही ह्यूग जैकमैन मार्वल स्टूडियोज के टच में है और इसीलिए वो अपना छोटा सा कैमियो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दे सकते हैं। और वैसे भी अगर मार्वल को एमसीयू के यूनिवर्स को और एक्सपेंड करना है तो म्यूटेंट्स को तो लाना ही होगा। टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिख सकता है। अब टोबी मैग्वायर के एज ए स्पाइडरमैन वापस रिटर्न करने के चांस है काफी कम थे, लेकिन नो वे होम ने फैंस के मन में एक उम्मीद जगा दी है कि सुपर हीरो मूवीज में कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है। और इसीलिए अब प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी हमें टोबी मैग्वायर एज ए स्पाइडरमैन दिखेंगे। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी है, जिन्होंने स्पाइडरमैन की ओरिजिनल ट्रिलॉजी भी डायरेक्ट की है। और जब मूवी में मल्टीवर्स दिखाया जाएगा और अलग अलग यूनिवर्स में मूवी के कैरेक्टर्स विजिट करेंगे तो उन यूनिवर्सिस में से एक है टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स भी होने वाला है। हालांकि उन मूवीज के राइट सोनी के पास है, लेकिन मार्वल ने अपनी स्टोरी लाइन से सोनी के स्पाइडर वर्स का सपना पूरा किया है, तो टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन के डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखने से सोनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नो वे होम में ये कंफर्म ही हो चुका है कि टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन है एमसीयू में ही कैनन करता है। तो अब जिस मल्टीवर्स को हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में देखेंगे उसको हमने सबसे पहले लोकी सीरीज में देखा, तो इसके काफी हाई चांसेस है कि लोकी, सेल्वी या कोई भी टीवी से रिलेटेड करेक्टर है हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखे, क्योंकि 100% डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में मल्टीवर्स के बारे में ऑलमोस्ट सब बता दिया जाएगा और मल्टीवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसमें लोकी सीरीज का काफी इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि मल्टीवर्स तभी क्रिएट होता है जब सेल्वी ही हू रिमेन्स को मारती है। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के बारे में जानने के लिए जाएगा तो वो सेल्वी से जरूर मिलेगा, नहीं तो लोकी या फिर टीवी को जरूर ढूंढेगा। तो मूवी में एक पॉइंट पर हमें टॉम हिडलसन का लोकी या सेल्वी दिख सकते हैं, तो वहीं एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें कैंग द कॉन्करर भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के एंड में दिखेगा, जहां जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो कैंग सेंटम सेटोरम पर अटैक कर देगा और डॉक्टर स्ट्रेंज को क्वांटम रियल में ले जाएगा। और ये सब दरअसल एंटमैन 3 को सेटअप करने के लिए किया जाएगा, जिसके बाद एंटमैन और वॉस्प क्वांटम मिनिया मूवी में कैंग से निपटेंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करेंगे, यानी एक तरह से कैंग भी इस मूवी में होगा जो डेफिनेटली मल्टीवर्स से आया होगा। तो गाइस ये तो थी कुछ ऐसी थ्योरीज, रूमर्स और कैरेक्टर्स के अपीयरेंस है जिनके मूवी में होने के हाई चांसेस है। अब बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की जो मूवी में हो सकते हैं लेकिन उनके चांस कम है, जिनमें फैंटास्टिक फोर बेन अफ्लेक एज डेयरडेविल है, एंड्रयू गारफील्ड एज स्पाइडरमैन है, इवान्स पीटर एज क्विक सिल्वर है, एडवर्ड नॉर्टन एज हल्क है, मैग्नेटो और आरडीजे का आयरन मैन है। अब ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर्स 100% मूवी में होंगे ही नहीं, लेकिन हाँ इनके मूवी में होने के चांस ना के बराबर है। वैसे इस मूवी में मल्टीवर्स है तो इसकी मदद से स्टूडियो मूवी में कुछ भी दिखा सकता है
और हमें एज ए फैन किसी भी अपीयरेंस या थ्योरी को फिलहाल डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में लिटरली कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास में इस मूवी से रिलेटेड कोई भी थ्योरी, रूमर्स या इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमर एंड यू वॉचिंग द विकी सिमर।